भारत में बने किस हल्के लड़ाकू विमान ने फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस हेतु अपनी पहली सफल उड़ान भरी है? ए तेजस, बी आकाश, सी नाग या डी मार्क। आंसर है ए तेजस। स्वदेश निर्मित लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस के लिए अपनी पहली सफल उड़ान भरी है। FOC स्टैंड्स तेजस में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल सिस्टम जैसे एडवांस फीचर मौजूद हैं। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल सिस्टम का अर्थ है कि यह नज़रों से दूर 40 से 50 दूर टारगेट को मार गिरा सकता है। तेजस मार्क वन में एक रडार सिस्टम वार्निंग सिस्टम भी मौजूद है, अर्थात दुश्मन के रडार की पकड़ में आते ही पायलट को पता चल जाएगा। एक्सेसिबल। नेस्कॉम फाउंडेशन ने निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ मिलकर भारत में इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया नामक अभियान लॉन्च किया है? ए फेसबुक, बी गूगल, सी माइक्रोसॉफ्ट या डी इंडियन ऑयल। आंसर है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया अभियान भारत में दिव्यांग लोगों को सशक्तिकरण के लिए आरंभ की गई पहल है। इसके तहत विशेष प्रकार की तकनीक सहायता दी जाएगी जिससे दिव्यांगों को अपने जीवन में बेहतर अनुभूति हो। माइक्रोसॉफ्ट का मानना है कि दिव्यांग व्यक्तियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के माध्यम से सशक्त बनाया जा सकता है। नेक्स्ट और थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अंगदान तथा प्रत्यारोपण में तमिलनाडु और तेलंगाना को पीछे छोड़ दिया है? बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र या पंजाब। थर्ड का आंसर है महाराष्ट्र। पुणे, नागपुर और औरंगाबाद अंगदान के क्षेत्र में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले नगर हैं। महाराष्ट्र को राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन द्वारा मृतक अंगदान के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। अंग प्रत्यारोपण का अभिप्राय सर्जरी के माध्यम से एक व्यक्ति के स्वस्थ अंग को निकालने और उसे किसी ऐसे व्यक्ति में प्रत्यारोपित करने से है जिसका। रीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने हाल ही में 2020 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने फीसदी कर दिया है? 5.3% यानी मूडीज ने फरवरी में 2020 में भारत के लिए 5.4% की वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान लगाया था। मूडीज ने कहा था कि इस तरह की रुकावटों जितनी लंबी खिंचेंगी वैश्विक आर्थिक मंदी का जोखिम उतना ही अधिक होगा। कई सरकारों और केंद्रीय बैंकों ने वित्तीय राहत पैकेज, नीतिगत दर पर कटौती, नियामक छूट समेत राहत के कई उपाय किए हैं। हालांकि वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु उठाए गए जाने वाले कदम इन उपायों के लिए असर को कम कर देंगे। मूडीज ने साल 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 5.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया। फिफ्थ क्वेश्चन, लोकसभा में हाल ही में गर्भपात की अधिकतम सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह करने की अनुमति देने के विधेयक को पारित किया गया है? ऑप्शंस हैं 28, 29, 27। आंसर है 24, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल 2020 को ध्वनि मत से पारित किया गया था। इस विधेयक में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने विधेयक को रखा और इसे प्रगतिशील बताते हुए कहा कि महिलाओं के सुरक्षित गर्भपात के लिहाज से समय की जरूरत है। विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया कि इसका मकसद स्त्रियों की विधिक और सुरक्षित गर्भपात सेवाओं तक पहुँच में वृद्धि करने तथा असुरक्षित गर्भपात के कारण मृत्यु दर और अस्वस्थता दर एवं उसकी जटिलताओं में कमी लाना है। साले ने किसे प्रधानमंत्री के रूप में मनोनीत किया है? अदनान जुर्फी, इराक के राष्ट्रपति बहराम साले ने हाल ही में पवित्र सिया शहर नजफ के पूर्व गवर्नर अदनान जुर्फी को नया प्रधानमंत्री नामजद किया, जो हाल ही के महीनों में सरकार का मुखिया ढूंढने की दूसरी कोशिश है। अदनान जुर्फी के पास अपने मंत्रिमंडल का गठन करने के लिए 30 दिनों का समय है। वे निवर्तमान प्रधानमंत्री अदिल अब्दुल महदी की जगह लेंगे। मेहंदी ने विशाल रैलियों के बाद दिसंबर में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। व्यवहार के लिए एप्पल पर 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। ए नेपाल, बी चीन, सी फ्रांस या डी जापान। आंसर है सी फ्रांस। कंपनी पर यह जुर्माना अपने स्वतंत्र खुदरा विक्रेताओं के साथ गैर प्रतिस्पर्धी व्यवहार के लिए लगाया गया है। प्रतिस्पर्धा नियामक ने अपनी जांच में पाया कि एप्पल ने अपने आर्थिक हैसियत के रूप में दुरुपयोग करके फ्रांस में स्वतंत्र खुदरा विक्रेताओं के साथ कीमत के मोर्चे पर गैर प्रतिस्पर्धी व्यवहार किया है। यह मामला साल 2012 में शुरू हुआ था जब एप्पल के लिए एक स्वतंत्र विक्रेता ने अब कंपनी के प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार की शिकायत की थी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे युगांडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ए सचिन बंसल, बी ए अजय कुमार, सी रोहित श्रीवास्तव या डी बी के विशिष्ट। आंसर है बी ए अजय कुमार। तो बी अजय ए अजय कुमार को संयुक्त सचिव ए अजय कुमार को युगांडा गणराज्य में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। वे जल्द ही यह कार्यभार संभालेंगे। युगांडा अफ्रीका महाद्वीप के सबसे निर्धन देशों में शामिल है। यहाँ की एक तिहाई जनसंख्या अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन
कर रही है। नौवां क्वेश्चन है, पूर्व राज्यसभा सदस्य और दिग्गज पत्रकार का क्या नाम है जिनका 17 मार्च 2020 को निधन हो गया? ए पाटिल पटुप्पा, बी अश्विनी चौबे, या सी नारायण दत्त, या डी एन श्रीनिवास। तो आंसर है ए पाटिल पटुप्पा। पाटिल पटुप्पा एक अनुभवी पत्रकार और एक राज्यसभा सदस्य थे। उनका 17 मार्च 2020 को कर्नाटक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में निधन हो गया। उन्होंने 2 कार्यकाल के लिए कर्नाटक का प्रतिनिधित्व किया था। वे एक कन्नड़ कार्यकर्ता, लोकप्रिय लेखक और पत्रकार भी थे। वह साप्ताहिक पत्रिका पुरपत्र के संस्थापक और संपादक रह चुके हैं। लास्ट और 10th क्वेश्चन है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा 17 मार्च 2020 को जारी जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस भारत में किस स्टेज पर पहुंच चुका है? ए स्टेज 4, बी स्टेज 3, सी स्टेज 2, या डी स्टेज 1। 10th का आंसर है सी स्टेज 2। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने 17 मार्च 2020 को जानकारी दी कि वायरस भारत में स्टेज 2 में पहुंच चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने COVID-19 के लिए रिपोर्ट हेल्पलाइन और ईमेल ID लॉन्च की है। यह हेल्पलाइन नंबर फ़ोन नंबर 0112430066 वर्तमान समय में ICMR के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव हैं।